जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे चैनल के माध्यम से आपको दैनिक राशिफल के साथ साथ तीज त्यौहार, व्रत पर्व और जो महोत्सव आते हैं उनके बारे में उपाय, जानकारियां प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक टोटके और उपाय मिलते हैं जिनको प्रयोग में ला करके आप अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से, बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो रोज की भांति आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज का 6 अगस्त का राशिफल। और आज से हम लोग कार्यक्रम में एक छोटा सा बदलाव कर रहे हैं, आपको रोज 4 उपाय बताने की जगह कार्यक्रम के अंत में एक उपाय ही बताया जाएगा, क्योंकि उसके लिए मेरे पास थोड़ा सा समय अब कम है कि उपाय खोज करके लाए जाएं, आपको उपलब्ध कराए जाएं। तो एक उपाय पूरे एपिसोड में आपको हर दिन मिला करेगा अब आगे से। तो हम लोग कार्यक्रम में आज के पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। आज का पंचांग इस प्रकार है, अंग्रेजी तारीख 6 अगस्त, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है श्रावण का और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रविवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तराषाढ़, योग है प्रीति और करण है गर्भ। तो ये रही बात आज के पंचांग की। अब बात करते हैं सबसे पहले राशि फल की। तो राशि क्रम में सबसे पहली बात, पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उच्चाधिकारियों के कारण आपके कुछ कष्ट बढ़ सकते हैं, अपने व्यावसायिक क्षेत्र के विस्तार के लिए ये समय आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है स्लेटी। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य में जोश और उत्साह का भाव आपको आज बना करके रखना होगा। आज का दिन जो है वो आपको नाम, यश, कीर्ति और धन, ये सभी चीजें उपलब्ध करा सकता है। आज के दिनचर्या में अपने थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से आप बचें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज बिना सोचे समझे और अपने बुजुर्ग लोगों से, अनुभवी लोगों से कोई सलाह मशवरा किए कोई बड़ा निर्णय आप मत करिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है ग्रे। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदारों और सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर बन सकते हैं। बहुत अधिक व्यय होगा और बहुत साहस करके व्यवसाय के क्षेत्र में आप कोई नया रास्ता आज तलाश पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है बैगनी। अब बारी कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को आज आप बनाए रख करके अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि और विस्तार कर सकते हैं। त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना आज बनती दिखाई देती है और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ चिंता आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। रोग को अनदेखा आप बिल्कुल भी ना करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है भूरा। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना हुआ है। निराशा के भाव आपके अंदर आने के योग बनते दिखाई देते हैं।
क्रोध आपको आज विशेष रूप से प्रभावित करेगा, तो अपने क्रोध का, अपने गुस्से को आपको आज नियंत्रण में रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। तनाव लेने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है खाकी। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपना महत्वपूर्ण समय अपने मित्रों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। जो काम अभी तक आपको असंभव लग रहे थे, आज वो कार्य करने बहुत आसान हो जाएंगे। मित्रों के लिए ये समय बहुत ही कसौटी और बहुत ही चुनौती भरा समय हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है हरा। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके मन में असहयोग की भावना अपने साथ के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ ज्यादा आ सकती है। ये भावना किसी भी दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसका प्रभाव आपके अपने व्यक्तिगत जीवन पे पड़ेगा। लोग आपको छोड़ देंगे, आप अकेले हो जाएंगे, तो इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित व्यवहार आज आप न करें। ये आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है। आज आपकी मित्रता का परीक्षण होगा और आज आप पहले से कहीं अत्यधिक परिश्रम करें, ऐसे लक्षण, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आपको निवेश करने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है नीला। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, अपने मित्रों पर इस अवधि में आप विश्वास कर सकते हैं। वाद विवाद के स्थानों से आपको स्वयं को दूर रखना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से अगर आज आप काम करें तो आपका कोई बहुत बड़ा रुका हुआ और अटका हुआ कार्य आज सिद्ध हो सकता है। व्यापार के मामले में आज आप सफल हो पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। बिना सोचे समझे कोई नया अनुबंध इस दौरान नहीं करना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 3 और शुभ रंग बनता है पीला। अब बारी धनुराशि की। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ आपको शीघ्र धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। कार्य, किसी विशेष कार्य में भाग्य का पूर्ण समर्थन आज ना मिल पाए, कोई कार्य बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर जाकर के रुक जाए, अटक जाए, ऐसे योग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है सिंदूरी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता होगी। परिस्थितियां जैसी ठीक लग रही हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के एक अच्छा समय आज व्यतीत कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। तनाव लेने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है केसरिया। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने कामकाज से बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। आप अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि आपने स्वयं अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। अपनी स्थिति को बनाए रख पाना भी, यानी अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाना भी आज आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगा। और वैवाहिक संबंध में, प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति आए, ऐसे संकेत आज दिखते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परमात्मा ने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है लाल। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए असफलता हेतु अपने भाग्य को आज आप दोषी न ठहराएं। भाग्य का भरपूर समर्थन आपके साथ बन रहा है। मन से काम करने की आवश्यकता है। आज की तिथि में अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वभाव में क्रोध की स्थिति आज ज्यादा रहने वाली है, तो अपने स्वभाव की तेजी को आपको नियंत्रण करना होगा। और उसको नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके दिन को आरंभ करें, घर से निकलें, आपका दिन अपने आप ही शुभ हो जाएगा। किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है गुलाबी।
तो मित्रों, हम लोगों ने अभी तक कार्यक्रम में चर्चा की आज के पंचांग की और जाना आज की 12 राशियों का हाल और किस तरीके से अपने दिन को आप शुभ बना सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोगों ने जानकारी कर ली। कार्यक्रम में अब समय आ गया है आज के महा उपाय को जानने का और आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति के बहुत ही अचूक और बहुत ही असरकारी असरदार शक्तिशाली टोटके। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप धन प्राप्ति के लिए इन उपायों को करें तो आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य धन प्राप्ति ही है। कई ऐसे लोग हैं किन्हीं अज्ञात कारणों से उनके धन प्राप्ति के साधनों में मार्ग में किसी न किसी कारण से रोड़े अटक जाते हैं या काम कहीं ना कहीं जाकर के विघ्न में फंस जाता है। तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन उपायों को यदि आज आप सही तरीके से समझ करके उचित समय पर इसको करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा आपके विशेष कामों में और मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा आप पर और आपके काम पर, आपके व्यापार व्यवसाय पर, नौकरी पर और आपके परिवार पर बन जाएगी। तो क्या है ये उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। जिस घर में नियमित रूप से अथवा हर शुक्रवार को श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, मां लक्ष्मी का निवास उस घर में निरंतर बना रहता है और स्थायी रूप से मां लक्ष्मी वहां निवास करती हैं। तो ये पहला सुझाव हुआ कि आपको रोज नियमित रूप से, और अगर आप नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हर शुक्रवार श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनक धारा स्त्रोत इत्यादि का पाठ अवश्य करते रहना चाहिए। दूसरा उपाय है कि सप्ताह में एक बार अपने घर में समुद्री नमक के जल से पोछा लगवाएं, यानी पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डाल करके आप उस जल से घर में पोछा लगवाएं तो घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर रहेगी और जब नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी बाहर रहेगी तो फिर बचता क्या है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बचता है और जब सब पॉजिटिव होगा तो माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही अपने आप आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बन जाएगी। तीसरा उपाय है कि प्रत्येक अमावस्या को घर की साफ सफाई की जाए, फालतू सामान घर से बाहर कर दें। अगर आपको लगता है कबाड़ ज्यादा है तो उसे बेच देना चाहिए। उसका सबसे सरल साधन है कि आपकी गली में जरूर कोई ना कोई कबाड़ी आता होगा, उसको बुला करके बेच दें। तथा घर के मंदिर में घर को साफ सफाई करके शुद्ध करके जब आप घर से सामान बेच दें तो झाड़ू पोछा करने के बाद घर के मंदिर में पूजा स्थान में 5 अगरबत्तियां आप लगा दें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। घर में प्रत्येक पूर्णिमा पर कंडे के उपले को जला करके किसी भी मंत्र से, चाहे वो गायत्री मंत्र का प्रयोग कर लें, ओम नमः शिवाय का प्रयोग कर लें, गणेश जी का कोई मंत्र ले लें, लक्ष्मी जी का मंत्र ले लें, महामृत्युंजय मंत्र ले लें, किसी भी मंत्र से बस एक उपले पर आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, अग्नि स्थापित करनी है और 108 आहुतियां देने भर की आपको हवेश यानी हवन सामग्री का प्रयोग करना है, साकल्य का प्रयोग करना है। वो बाजार में आजकल बहुत सारे कंपनियों के रेडीमेड आते हैं, वो ले आइए और उनसे आप किसी भी मंत्र से 108 बार आहुति दे दीजिए। इसके बहुत ही चमत्कारी परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। ये प्रयोग आप हर पूर्णिमा करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यदि आप गुरुवार को पीपल के वृक्ष पर जल में कच्चा दूध मिला करके थोड़ा सा उसमें काला तिल और कुछ मीठा गुड़, चीनी या शहद मिला करके ये अर्घ, आप विशेष अर्घ पीपल के वृक्ष में देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये अर्घ देने के बाद आपको वहां पर एक देसी घी का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का किसी भी एक चीज का एक दीपक जलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि द्रव्य बनाने में बहुत ज्यादा झंझट है, बहुत परेशानी है तो सिर्फ सादे पानी से, सादे जल से आप अर्घ दें। हर गुरुवार को आप ये उपाय करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शनिवार को गुड़ मिश्रित दूध और जल का ये अर्घ देना बहुत ज्यादा चमत्कारी होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि गुरुवार को सादे जल से आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें, सादा जल चढ़ाएं और शनिवार को गुड़, दूध और काला तिल मिला करके जल में आप इसका अर्घ दीजिए। अपना दोनों हफ्ते में, दो दिनों में आप इसको अपना दो तरीके से क्रम बना लीजिए। किसी भी तरीके का दुख दारिद्र होगा, मैंने हजारों लोगों को ये उपाय बताया और फिर कभी उनको शिकायत का मौका नहीं मिला कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या है।
जितने लोगों को बताया है उतने लोगों के जीवन में चमत्कार सामने आया है इस उपाय को करके। खासतौर पर ये गुरुवार और शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल देने के उपाय से कभी भी आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में नहीं आएंगी। तो मित्रों, ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनमें से 1, 2, 3, 4 जितने भी उपाय आपसे संभव हो जाए, एक साथ आप इन उपायों को करके अपने जीवन में आ रही बाधा को दूर कर सकते हैं, जीवन में आ रहे संघर्षों और चुनौतियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आ रहे होंगे। इन उपायों को आप अपने प्रयोग में लें तो जीवन में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखें तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।